बिग बॉस ने बुलाया शिव और निमृत को कन्फेशन रूम में। दोनों ने कहा कि साजिद का प्रोटेस्ट करना गलत है। वेल, साजिद और अर्चना के बीच काफी ज्यादा गाली गलौच हुई, जिसके बाद अब साजिद खान बैठ चुके हैं प्रोटेस्ट करने। जी हाँ, साजिद अनशन पर बैठ चुके हैं। वेल, साजिद का कहना ये है कि बिग बॉस को कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा अर्चना पर। भले ही वो अर्चना को घर से बाहर ना निकाले, लेकिन अर्चना को कोई न कोई सजा जरूर दे। वहीं अब साजिद चाहते हैं कि बिग बॉस उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाए, और इसीलिए जब तक बिग बॉस उन्हें कन्फेशन रूम में नहीं बुलाएंगे, तब तक साजिद खाना नहीं खाएंगे। वेल, एक तरह से साजिद बिग बॉस को ब्लैकमेल करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी साजिद कई बार अनशन में बैठ चुके हैं। इससे पहले भी जब अर्चना ने हाथ उठाया था शिव पर, तो साजिद अपना आपा खो बैठे थे और अनशन पर बैठ गए थे। लेकिन अब लगता है कि बिग बॉस को गुस्सा आ गया है साजिद पर, इसलिए उन्होंने शिव और निमृत को कन्फेशन रूम में बुलाया और दोनों से पूछा कि क्या साजिद का इस तरह से प्रोटेस्ट करना सही है। जिसके बाद निमृत और शिव दोनों ने कहा कि गलत है साजिद। साथ ही साथ बिग बॉस ने कहा अगर अर्चना प्रोटेस्ट कर रही होती तो क्या वो चाहते कि वो अर्चना को कन्फेशन रूम में बुलाए। वहीं बिग बॉस ने सीधी तौर से क्लियर कर दिया कि वो साजिद को कन्फेशन रूम में नहीं बुलाने वाले, और अब निमृत और शिव को ही साजिद को कन्विंस करना होगा कि वो खाना खा ले। वहीं आपको क्या लगता है, साजिद का इस तरह से प्रोटेस्ट करना सही है या फिर गलत, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।